हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस रूटीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं राजस्थान के जैसलमेर में। जैसलमेर में आपको पूरे भारत का सबसे बढ़िया यहाँ पर रेगिस्तान मिलता है, उसमें कैंपिंग मिलती है, बढ़िया सी एडवेंचर एक्टिविटी मिलती है, डेजर्ट सफारी जो अभी मैं कर रहा हूँ ये भी मिलती है, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस है। यहाँ पर इंडिया का लिविंग फोर्ट भी है जहाँ पर लोग अभी भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, आपको दिखाऊंगा, घुमाऊंगा और पूरा खर्चा भी बताऊंगा आइटनरी के साथ। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे साथ घूमिएगा लास्ट तक जैसलमेर। जैसलमेर में घूमने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के तीन ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि आप बाइक, कैब, कार, टैक्सी, इससे घूम सकते हो। सेकंड ऑप्शन है ऑटो का, जिसका खर्चा मैं आगे बताऊंगा। और जो तीसरा ऑप्शन है जो मैंने अभी लोकल साइट सीन के लिए चूज़ किया है यहाँ पर, तो वो है स्कूटी। ये मैंने एक्टिवा ले ली है, 400 रुपये पर डे में मिल गई है, हेलमेट साथ में मिलता है और पेट्रोल आपको भरवाना पड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है आपके पास, आधार कार्ड आपका डिपॉजिट करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने जिस लोकेशन से लिया है वो ये है और यहाँ से मैंने लिया है, वैसे आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ये जैसलमेर फोर्ट के आसपास में आपको कई सारी बाइक रेंटल शॉप मिल जाएंगी, तो आप कहीं पे भी जाएं, आपकी मर्ज़ी, जहाँ पर आपको वाजिब दाम में मिल जाए आप पता भी कर लेना। सीज़न के हिसाब से 400 से 500 रुपये वैरी करता है, बाइक वगैरह हर तरह की आपको अवेलेबल हो जाती है। जैसलमेर में रेलवे स्टेशन भी है और यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, जहाँ दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसी बड़ी सिटीज से डायरेक्ट ट्रेन्स और फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। वहीं राजस्थान और गुजरात के कई शहरों से डायरेक्ट बसेस भी अवेलेबल हैं। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, और ऐसा क्यों, जवाब आपके सामने खुद आ जाएगा जब आप यहाँ पे घूमने निकलोगे। यहाँ हर घर मकान आपको इसी कलर में दिखाई देंगे, गोल्डन कलर में। ये जो यहाँ की ईंटें होती हैं ये बलुआ पत्थर की बनी होती हैं और ये यहीं पर इनका मतलब प्रोडक्शन होता है, तो आपको पूरा ये गोल्डन कलर का ही यहाँ पर दिखाई देगा, चाहे वो घर हो, चाहे वो होटल हो, हवेली हो, फोर्ट हो, सब कुछ। जैसलमेर में आज मैंने अपनी ट्रिप की शुरुआत की पटवाओं की हवेली से, जिसकी एंट्री फीस 50 रुपये है और जिसके अंदर आपको हवेली वाली पूरी फीलिंग आती है। एक्चुअली 5 हवेलियों का सेट है जिसे कि गुमानमल पटवा द्वारा बनवाया गया था, और ये हवेली पांचों बनी है 1800 से 1860 में, लगभग 60 साल का समय और 10 लाख रुपए खर्च किए जाने का इस पर अनुमान है। ये बिजनेसमैन थे, जो भी बिजनेस है इन्होंने कमाया उसका बेस्ट यूज़ किया इन्होंने अपने हवेली को सुंदर बनाने के लिए। तो हवेलियों की एक खासियत होती है, एक्चुअली अलग अलग लोगों की सोच है कि बड़ा घर हवेली या राजा का घर हवेली, बट सिंपल सा मीनिंग है घर जहाँ हवा लगे। पटवा की हवेली के छत पर आ गया हूँ मैं, और जब छत पे आप आते हो तो पूरा जैसलमेर आप अपनी आंखों में समेट लेते हो। गोल्डन सिटी आप यहाँ से कह सकते हो देखकर, वैसे तो रोड से भी कह सकते हो, बट यहाँ से ऊपर से देखोगे तो अपनी आंखों के सामने आप ये पूरा शहर भी देखोगे और सामने वो किला भी देखोगे, जैसलमेर फोर्ट। बहुत प्यारी सी जगह है, इस जगह ज़रूर आए, 50 रुपये की एंट्री फीस में वर्थफुल प्लेस है, और फोटोज़ वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तब भी बहुत वर्थफुल है, कैमरा वगैरह अलाउ है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जैसलमेर में गडिसर लेक नाम की जगह भी है, जहां 300 रुपये में आप बोटिंग का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इवनिंग का टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है गडिसर लेक के पास। यहाँ पर मेरे सामने देखो आप, बढ़िया बत्तख बढ़िया तैर रहे हैं, सामने सनसेट थोड़ी देर में होने वाला है, और अगर आप चाहते हो इस लेक में बोटिंग करना तो बोटिंग का भी ऑप्शन वहाँ पर है। तो हर तरह का यहाँ पे ऑप्शन है, सनसेट के यहाँ पे कई सारे पॉइंट हैं, आप चाहे तो ब्यास छतरी से देख सकते हो, आप चाहे तो जैसलमेर फोर्ट से देख सकते हो, बट जो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप इवनिंग में इस जगह पर आओ, इस जगह आप कई अलग अलग तरीके से
देख सकते हो यहाँ का सनसेट और बहुत प्यारा व्यू आता है। यहाँ पे कैफ़े भी कई सारे हैं, कैफ़े में आप जाओ खाओ पियो वो भी करते हुए आप देखो सनसेट, मज़ेदार प्लेस है अल्टीमेटली यही बोलना चाहता हूँ मैं। जैसलमेर में आपकी होटल की लोकेशन क्या हो सकती है वो मैं बता देता हूँ। जैसलमेर वैसे तो 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में रेलवे स्टेशन की आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन के सामने आप चाहे तो रुक सकते हैं, आप चाहे तो जैसलमेर जो फोर्ट है उसके आसपास में आप अपना स्टे बुक कर सकते हैं, तो ये प्रेफर्ड लोकेशन होगी। जैसलमेर सिटी से लगभग 35 किलोमीटर दूर सम नाम की जगह है और यहीं पर आपको असली राजस्थान देखने को मिलता है, जहां पर डेजर्ट में कैंपिंग, सफारी और ढेरों एक्टिविटीज होती हैं। तो भाई पहुंच गए हैं कैंप में और कैंप में स्वागत, पिछली बार जैसे हुआ था उससे भी अब खतरनाक बन चुका है, बहुत चेंजेस आ गए हैं यहाँ पर, आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ के कैंप्स में आपको स्टे के साथ मील्स इंक्लूड होती है और इवनिंग में होने वाला शो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। अपना डिनर मैं अब करने वाला हूँ एक स्पेशल जगह पर, चलते हैं। नाइट में यहाँ डेजर्ट में रोमांटिक डिनर और नाइट कैंपिंग का भी ऑप्शन होता है और ये जैसलमेर की इस ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो भाई यहाँ पे आप अपना डिनर करें और डिनर में जो चाहेंगे वो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जो फेमस चीज़ें हैं, गट्टे की सब्जी है, पनीर है, दाल बाटी चूरमा है, रोटी है, चावल है, आलू की सब्जी है, सलाद है, पानी है, मतलब सब चीज़ मिल जाएगी आपको। और राजस्थानी में कहते हैं जीम लो, मतलब खा लो, तो वही खाते हैं, भूख लगी है ज़ोरों की। ज़रूर आना आप यहाँ पे, नंबर मैं दे दूँगा कहाँ से कैसे बुकिंग आपको करवानी है। तो अपनी सुबह हो गई है यहाँ पे टेंट में और ये बढ़िया सी चाय आ गई है, उधर सनराइज हो गया है और क्या मज़ा आया, मतलब रात में सोने में ऐसा, ठंड तो बाहर थी बट ठंड बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि मतलब कांप रहे हो, पर मज़ा ज़रूर था। और ये है हमारे टेंट का व्यू, और ये बाबा ये तो एकदम ठंडी रेत है, रेत एकदम ठंडी पड़ी हुई है और रात को बोन फायर डिनर मस्त, क्या मज़ा था भाई। ओ रहे सेठ जी, वो रही मैडम जी, अरे हम। इस पूरे एक दिन की ट्रिप में आप डेजर्ट में जीप सफारी का एडवेंचरस एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं और पैरामोटर एक्टिविटी, कैमल राइडिंग जैसी भी कई एक्टिविटीज यहां पर होती है। जैसलमेर में जो कैंप साइट है वो ये रही मेरे पीछे, आप देख लो यहाँ पे पूरा इस जगह पे परफॉर्मेंस वगैरह होती है और इधर ये पूरा रूम्स हैं। ये वाले जो हैं ये कैंप वाले रूम हैं, ये कॉटेज रूम है और इसी में मैंने लिया हुआ है और ये अंदर से दिखा देता हूँ। बेड है, डबल बेड, काफ़ी बढ़िया सा, इसको चाहे तो आप डेकोरेट भी करा सकते हो अगर आप कपल वगैरह हो, और बढ़िया चेयर वेयर लगे, इधर से भी व्यू है और ये फ्रिज वगैरह भी रखी है। गर्मी यहाँ पड़ती ही है तो एसी है, हालांकि अभी जिस मौसम में आया हूँ फ्लिकरिंग थोड़ी आ रही होगी, बस चली जाएगी। ये रहा वॉशरूम, तो काफ़ी बड़ा सा वॉशरूम है और काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे रूम है। और जो मैंने बुकिंग यहाँ पे की हुई है ये क्लासिक डेजर्ट सफारी वगैरह है वाले, लिख देता हूँ मुझे ठीक से याद नहीं है, तो उनसे आप बुकिंग वगैरह करा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कॉन्टैक्ट डिटेल, आप कॉन्टैक्ट कर लेना। अगर आपको वो डेजर्ट में वहाँ पे कैंपिंग करनी है, वहाँ पे जाके अपना कुछ रोमांटिक टाइप का डिनर वगैरह करवाना है या कुछ भी करवाना है कॉन्टैक्ट कर लेना। आग बंद होने हो रही है क्योंकि धूप लग रही है। सुबह हो चुकी है और ब्रेकफास्ट के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर, सामने ये है मेरे क्या क्या चीज़ें आप देख लो खुद ही, कचौड़ी है और ये आलू बोंडा टाइप वाला है और चाय कॉफ़ी है।
ये तो है ही, बट इससे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर जो भी आप देखोगे चाहे कैफ़े हो होटल हो, हर जगह की बालकनी कुछ इस तरह की रहती है, मतलब बैठने का पूरा अरेंजमेंट रहता है व्यूज़ के साथ। जनरली आप किसी जगह पे जाते हो रूफ टॉप कैफ़े का अलग से पैसे वैसे लेते हैं, अब महंगा रहता है, बट यहाँ हर जगह आपको चाहे होटल हो चाहे कैफ़े हो हर जगह इस तरह का पूरा दिखेगा। आराम से यहाँ पे बैठ जाओ छत पे बालकनी में और बढ़िया अपना नाश्ता पानी करो और चाहे तो अपने पार्टनर के साथ बैठो, और इवनिंग में यहाँ पे बैठने वाकई में बहुत मज़ा आता है। फिलहाल धूप सेक रहा हूँ, हल्की हल्की सी आ रही है, आधे चेहरे पे आधे पे नहीं आ रही। जैसलमेर शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर यहाँ का वॉर म्यूजियम भी है। आ चुका हूँ जैसलमेर वॉर म्यूजियम के अंदर। टिकट की जो प्राइस है वो कॉम्बो में ये मैंने लिया है, ये 60 रुपीज़ पर पर्सन है। और इसके अलावा अब ये आप देख लो कुछ ऐसा ये दिखता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है वो भी बताता हूँ आपको, ये पूरा यहाँ का म्यूज़ियम का बाहर का एरिया गार्डन एरिया है जिसमें टैंक्स वगैरह रखे हैं, जीप रखी है जो लौंगे वाला में यूज़ हुई थी, और बाकी हमारे भारत का ये प्यारा सा फ्लैग सुशोभित हो रहा है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप अपना बैग वगैरह कार में आए हो तो कार में ही ड्रॉप करके आएँ, बैग आप नहीं ले जा सकते हैं। थोड़ा हमने रिक्वेस्ट की तो हम लोग ये ले आ पाए हैं जो हमारा इम्पॉर्टेंट आइटम था, पर बैग हमें ऐसे ही बाहर रखना पड़ा, मतलब खुले में ही उनके सामने रखा है, थोड़ा रिक्वेस्ट किए बट आप ध्यान रखें तो ऐसा चीज़ ना लें। अगर स्कूटी से आ रहे हैं तब आप कहाँ रखोगे बैग, वो प्रॉब्लम एक आ जाएगी। बाकी ये आप देखो भाई, अंदर इसके इनसाइड कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बट यहाँ आप बाहर देख लो, बहुत प्यारी सी जगह है और यहाँ पे आना चाहिए आपको, मस्त विजिट प्लेस है। वॉर म्यूजियम से मैं गया यहाँ के जैसलमेर फोर्ट में, जिसे सोनार किला भी कहते हैं, जिसका शिलान्यास महरावल जैसल ने 1156 ईस्वी में करवाया था, जहाँ राजा और रानी का महल है और इसकी एंट्री फीस 200 रुपये पर पर्सन है। जैसलमेर के फोर्ट में घूमने का ही अपना मज़ा है, मतलब यहाँ की गलियों में आप चले जाओ तो इतिहास में ही चले जाते हो आप, क्योंकि मतलब लिविंग फोर्ट वाला एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिल पाता है। यहाँ पर दुकानें हैं, घर हैं, लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो सब चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है। और मंदिर वगैरह भी पुराने यहाँ पर बने हुए हैं, वो आप अगर देखोगे मंदिर यहाँ पे दिख रहा है, और कुआं है यहाँ पर, ये लगता है कि असली राजस्थान में आप आए हुए हो, क्योंकि मूवीज़ वगैरह में जो इमेजिनेशन हम लोग की क्रिएट की गई है ना, वो यही जैसलमेर को दिखा के ही बनाई गई है। तो हमें लगता है हम जयपुर भी जाते हैं तो वो ऐसा ही दिखेगा, लेकिन जयपुर अलग है और बाकी सिटी अलग है और जैसलमेर बिल्कुल अलग है। जैसलमेर फोर्ट के अंदर कुछ खूबसूरत मंदिर भी हैं और यहाँ आप चाहे तो स्टे भी कर सकते हैं और काफ़ी सारे कैफे भी हैं। जैसलमेर में सनसेट के कई सारे पॉइंट हैं और उन्हीं में से एक है यहाँ का ब्यास छतरी। ये अगर आप देखोगे, इसके बारे में मैं बताता हूँ, पहले आप देख लो, ये है ब्यास छतरी और यहाँ से आपको जैसलमेर फोर्ट का बहुत अच्छा व्यू दिखता है, और ये सनसेट पॉइंट है, यहाँ पे शाम को लोग आते हैं और बढ़िया सनसेट देखते हैं। एंट्री टिकट के बारे में बता देता हूँ, 50 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट है यहाँ की, और ब्यास छतरी है क्या वो भी बताता हूँ। यहाँ पर ऐसी कई सारे आपको छतरियाँ दिखेंगी और ये छतरी कहा जाता है जो राजा हैं उनकी कब्र है ये, तो जो राजा होते थे उनकी, आप ये देखो यहाँ पर उनकी स्मृतियों के रूप में यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है, और कई सारी यहाँ पर ये है। तो ये बहुत ही मतलब प्यारी सी जगह है, सनसेट पॉइंट है तो शमशान, लेकिन फिर भी बहुत ही यहाँ से व्यूज़ बहुत प्यारे आते हैं पूरे जैसलमेर के, और इवनिंग में आप यहाँ पर ज़रूर आना। व्यास छतरी से लगभग 5 किलोमीटर दूर बड़ा बाग भी है और ये भी व्यास छतरी की तरह ही राजाओं की शमशान भूमि है। सुबह के बज रहे हैं लगभग 10 और आज जा रहे हैं लौंगे वाला और तनोट माता मंदिर के लिए, गाड़ी अपनी रेडी है और इसी से जाएंगे। और भी क्या क्या ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं वहां तक पहुँचने के लिए वो भी बताएंगे। जैसलमेर से तनोट माता मंदिर की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है, जिसके रास्ते बेहद शानदार हैं और इस रास्ते पर पड़ने वाले विंडमिल बहुत ही प्यारे लगते हैं। तनोट जाने वाली ये रोड भारतमाला रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो स्पेशली देश के बॉर्डर्स पर बनाए गए हैं।
तो गाइस अभी हमारा आ गया है खाना, और खाने में हम लोगों ने मंगाया है दाल। मैं डिस्टर्ब करूंगा सनी भाई को, कॉपीराइट भी दूंगा क्योंकि दोनों उधर से भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी है, सबको कॉपीराइट का। बाय द वे रिव्यू देंगे सनी भाई, सनी व्लॉग्स इनका चैनल है, आप लोग देखना। और बाकी बाय द वे आप रिव्यू दो, मैं रिव्यू देता हूं गाइस आपको भी एंड अपनी जनता को भी। तो ये आ गया हमारा दाल, और दिस इज बाटी, और ये है चूरमा, ये स्वीट होता है, और ये हमने मंगाई है शिवम भाई के कहने में स्पेशल। शिवम भाई क्या नाम है इसका? गट्टा मसाला है। हाँ, इसका नाम है गट्टा मसाला, और ये चपाती है। तो खाते हैं और इसका रिव्यू देते हैं। आप फर्स्ट टाइम खा रहे हो ये? मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। ओके, तभी मैंने इनसे रिव्यू करवा रहा हूँ मैं, ताकि एग्जैक्टली मैं पहले भी खा चुका हूँ, अब एग्जैक्टली पता चलेगा कि टेस्ट कैसा है, कैसा है। हाँ, क्योंकि मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ, दिस इज चूरमा। हाँ, नहीं चूरमा ये है, अच्छा, ये बाटी है, ये बाटी है। तो बाटी ट्राई करते हैं। बाटी बेसिकली गाइस बाजरा की बनी होती है, बाजरा का बनता है ना। हाँ, ये बाजरा का बनता है गाइस, तो ट्राई कर लेता हूँ। वैसे मन तो शोम पकड़ ट्राई करने का है। कब से वेट कर आ रहे हैं यार हम लोग। हाँ, तो गाइस मैं ट्राई करके बता रहा हूँ ये है कैसी एक्चुअल में। नाइस, टेस्ट अच्छा है, और मैं सभी अपने व्यूअर्स को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जैसलमेर आ रहे हो ना, तो यहाँ का लोकल फूड जरूर ट्राई करना, एक अलग एक्सपीरियंस है। इस पूरे रास्ते पर एक ही मार्केट पड़ता है जो कि रामगढ़ के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर आपको खाने पीने की दुकानें मिलती हैं। लगभग 3 घंटे की जर्नी के बाद मैं तनोट पहुंच गया। तनोट माता मंदिर के अंदर आते हैं, थोड़ी सी कहानी यहाँ के बारे में, इतिहास बता देते हैं क्यों इतना ये महत्वपूर्ण स्थान हो गया। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस टाइम यहाँ पर लगभग 3000 बम पूरे एरिया में बरसाए गए थे, जिसमें से लगभग 450 बम के गोले यहाँ पे गिरे थे मंदिर के अंदर, लेकिन मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई, और इसकी वजह से सैकड़ों जो इनके टैंक थे पाकिस्तानियों के, उनके टैंकों को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा, उसके पहले भी महत्व था और उसके बाद और भी ज़्यादा महत्व यहाँ का बढ़ गया। और ये रहा वो मंदिर का पूरा कॉम्प्लेक्स, जब आप अंदर आते हैं तो कुछ ये आपको देखने को मिलता है। एक इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं देना चाहूँगा वो आप ज़रूर जान लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पास में ही एक कैंप है, मंदिर के लेफ्ट साइड में आप जाओगे तो कैंप है, वहाँ पर आपको ये फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को आपको फिल करना होता है, और आप ये एक तरह से बॉर्डर पास है, और बॉर्डर पास को लेके आप जाएंगे तो बॉर्डर पास तक बॉर्डर तक जा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए आपको कोई फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, ये आप बस जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और आ सकते हैं। इसके आगे का जो प्रोसीजर होगा, इसमें आपके पास आधार कार्ड वगैरह अपने साथ में ज़रूर कैरी करें, तो वो सारी डिटेल इसमें फिल करनी होती है जितने भी मेम्बर आपके साथ होते हैं, और फिर उसके बाद इसको डिपॉजिट करना होता है और आपको रिसीविंग मिलती है, और उसको ले जाके आप आगे जा सकते हैं बॉर्डर तक। तनोट से बबलियान बॉर्डर केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसके रास्ते भी काफी अच्छे हैं। उतर गया हूँ मैं बबलियान बॉर्डर पर, और यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा, ये रहा वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर। भारत का तो मुझे फ्लैग दिख रहा है, पाकिस्तान का काफ़ी दूर यहाँ से फ्लैग दिख रहा है, और बॉर्डर पर आने की अपनी फीलिंग होती है, चाहे आप किसी भी बॉर्डर पे जाएं, इंडिया के चाहे चाइना वाले पे जाएं, मतलब ऑलमोस्ट मैंने सारे ही बॉर्डर कर लिए, जितने भी बांग्लादेश हो, चाहे तो वो अपना यहाँ का हो, नेपाल का हो, चाहे चाइना का हो, और पाकिस्तान का एक बार फिर हाय, कैसे हो भाई। तो ये रहा, चलते हैं थोड़ा दूर तक। आज के ट्रिप का लास्ट पॉइंट था लोंगेवाला, और बबलियान बॉर्डर से लोंगेवाला की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। लोंगेवाला में आप सभी का स्वागत है, और ये रहा लोंगेवाला युद्ध स्थल। जब यहाँ पे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो इसी स्थान पर उनकी टैंक वगैरह भी आ गई थी, वो टैंक भी दिखाता हूँ, मतलब पाकिस्तानी सेना यहाँ तक पहुँच गई थी, फिर उसके बाद भारतीय सेना ने मुँह तोड़ जवाब दिया और यहाँ से उनको भगाया, और अपना राज हमारा कायम रहा। तो ये आप देखो पाकिस्तानी टैंक है, उस पर बना भी हुआ है पाकिस्तान का फ्लैग का, तो यहाँ पूरी स्टोरी वगैरह सब चीज़ लिखी हुई है। और बॉर्डर मूवी आपने अगर देखी होगी ना, तो बॉर्डर मूवी में इसी जो युद्ध की पूरी कहानी बताई गई थी। और ये देखो आप पूरे बंकर वगैरह, ज़रूर आओ आप यहाँ पे,
एक फीलिंग आएगी और आना चाहिए यहाँ पर, मतलब फीलिंग वो वाली आएगी, वो देशभक्ति वाली, इन सब जगहों पे जैसे ही आप आते हो तो आ जाती है अपने आप। तो आना ज़रूर, और अपने बच्चों को भी लाना, मतलब फैमिली के साथ आना। जैसलमेर घूमने के लिए आपके पास 2 nights 3 days होने चाहिए। सबसे पहले आप जैसलमेर आएंगे पहले दिन, और पहले दिन आने के बाद आप सीधे यहाँ पर कैंपिंग के लिए चले जाएंगे, जो कि 12 बजे चेक इन होता है। और कैंपिंग में वहाँ पे जाके आप पूरा दिन आपका स्पेंड होगा, और फिर अगले दिन आप सुबह वहाँ पे जो सफारी वगैरह होती है वो करके अगले दिन होटल में चेक इन करेंगे। तो दूसरे दिन आप यहाँ की लोकल साइट सीन वगैरह कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पर घूम सकते हैं पटवाओं की हवेली, जैसलमेर फोर्ट, वॉर म्यूजियम, और साथ ही साथ यहाँ पर गढ़ीसर लेक है, ये मेन प्लेसेस है, और ब्यास छतरी और बड़ा बाग, ये प्लेसेस कवर कर सकते हैं। तो ये सारी प्लेसेस एक दिन में बहुत ही आराम से आपकी कवर हो जाएगी। तीसरे दिन आप यहां से होटल से चेकआउट कर दे, और साथ ही आप जा सकते हैं यहां पर लोंगेवाला, और जो तनोट माता टेंपल की पूरी डे की ट्रिप होती है उसको कर सकते हैं। तो अब क्या खर्चा लग सकता है इसको करने में वो बता देता हूं। होटल यहां पर आपको 2000 rupees पर नाइट 2 adults के लिए मिल जाएगा, लेकिन ये मैं आपको मिनिमम खर्चा बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही लग जाता है, कभी कभी सीजन पे डिपेंड करता है। तो ये 2000 का आप कंसीडर करना, ज़्यादा भी लग सकता है कम भी लग सकता है। मील्स का आपका 500 rupees का बजट मिनिमम आप पर डे का मान के चले, इतना खर्च होगा एक पर्सन पे। और ट्रांसपोर्टेशन का, अगर आप स्कूटी का, मैं अभी बता रहा हूँ केवल एक दिन आप स्कूटी लेंगे लोकल ट्रिप के लिए, जो साइट सीन के लिए, वो आपका लगभग 500 rupees का खर्चा यहाँ पर आएगा, पेट्रोल डलवा के 400 की तो स्कूटी मिल जाती है। अब वैसे तो टोटल आप करोगे तो 3000 rupees इसका आएगा, लेकिन इतने में आप केवल एक दिन का लोकल साइट सीन कर रहे हो और होटल कर रहे हो। बट अगर आपको यहाँ पे सस्ते में घूमना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके लिए पैकेज लेना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि कैंपिंग का जो मैंने खर्चा 3000 बताया उसमें इंक्लूड नहीं है, और अगर आप अलग से कैंपिंग करवाते हो तो आपका ज़्यादा खर्च होता है। पैकेज अगर आप लेते हो तो पैकेज में यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, आपका होटल भी एक नाइट का हो जाता है, यहाँ पे कैंपिंग भी एक नाइट का हो जाता है, यहाँ पर सफारी भी हो जाता है, कैमल राइडिंग वगैरह भी हो जाता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके, और लोकल साइट सीन भी होता है। ये लगभग 7.5 से 8 हज़ार रुपये पर पर्सन में मिल जाता है। तो अगर आप कस्टमाइज कराओगे तो शायद आपका ज़्यादा भी लग जाए। तो आप ये माइंड प्रिपेयर करके जाओ, यहाँ पर जैसलमेर में घूमने जा रहे हो तो आपका 7.5 से 8 हज़ार रुपये पर पर्सन खर्च लग सकता है। इसमें मैंने लोंगेवाला और तनोट माता टेंपल का ट्रिप का इंक्लूड नहीं किया है। इसको आप इंक्लूड करो तो यहाँ पर लगभग एक कार का, 4-seater car अगर आप बुक करते हो इस पूरी डे ट्रिप के लिए, तो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का एक एवरेज खर्चा आ सकता है। तो ओवरऑल मैंने आपको बजट बता दिया है ये, और बेस्ट टाइम टू विजिट भी अब आपको बता देता हूँ, वो हो सकता है आपके लिए मिड अक्टूबर से लेके आपका फरवरी तक, इस टाइम में आप जा सकते हैं। सो आई होप आपको पूरी आइटनरी और बजट समझ में आ गया होगा, और इसके अलावा अगर नहीं समझ में आया है और भी किसी भी प्लेस के बारे में आप आइटनरी या बजट या कोई भी डिटेल ट्रैवल वीज़ा के से रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो आप हमारी ट्रैवल कंसल्टेंसी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। आज के लिए इतना ही था।